साबुत मूंग की दाल तैयार है। इसको आप चावल के साथ भी खा सकते हैं और चपाती के साथ भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बनाने लगी हूँ साबुत मूंग। और साबुत मूंग का मैंने एक कप लिया है, इसको धो लिया है अच्छी तरीके से, साफ़ करके इसको धो लिया है। और 3 चम्मच सब्ज़ मिर्च की पेस्ट है, और 3 चम्मच अदरक की पेस्ट है, 2 चम्मच लहसुन की पेस्ट है। तो आप इसके बनाते हैं। एक कप मैंने साबुत मूंग लिए और 5 कप पानी के डाले हैं। उबलते हुए पानी में इसको डाल देना, दाल को ठंडे पानी में नहीं डालनी और चम्मच नहीं हिलाना इसको। लहसुन अदरक की पेस्ट सब्ज मिर्चें इसमें 1/2 चम्मच नमक डालना है, 1/2 चम्मच हल्दी डालना और 1/2 चम्मच सुरख मिर्च। इसको डालकर इसको ऐसे ही मिक्स रहने देना, इसको डोई के साथ नहीं हिलाना और ऐसे कवर कर देना और लो फ्लेम कर देनी। तकरीबन 1/2 घंटा इसको पकते रहना, फिर 1/2 घंटे के बाद इसको देखूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 30 मिनट हो चुके हैं पकते हुए तो दाल को। बिस्मिल्लाह, अब इसके अंदर 2 चम्मच वगैरह आप हिला सकते हैं। अच्छी तरह हिला के अभी 10 मिनट तक और मज़ीद इसने पकना है, अभी नहीं बनी दाल। वैसे तो प्रेशर कुकर में बन जाती दाल 10 मिनट में बन जाती, मगर ये कि मिट्टी की हांडी में पकाने का ज़रा ज़्यादा मज़ा आता है, दाल हो सब्ज़ी हो ज़रा देर से बनती है मगर ज़्यादा टेस्टी बनती है। इसको 10 मिनट के लिए मैं कवर करती हूँ, 10 मिनट के बाद चेक करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, मज़ीद 15 मिनट हो चुके हैं इसको बनते हुए दाल को। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, दाल तैयार हो चुकी है मुकम्मल बिल्कुल, अब इसमें पानी नहीं है। सारी अच्छी तरह इसको मिक्स कर ले। और इसको दाल को उतार के इसका तड़का तैयार करना है। इसमें एक 1/2 चम्मच देसी घी डालना है, 5-6 लहसुन के जवे, इसको मैंने चॉप कर लिया। लहसुन हल्का ब्राउन हो चुका है, अब इसमें 1/2 चम्मच जीरा डालना, सफ़ेद जीरा, 1 तेज़पात का पत्ता,
और 7-8 बड़ी इलायची, बड़ी सुरख मिर्च डालनी। इसका तड़का तैयार करके दाल में डालना है। तड़का तैयार हो चुका है, अब इसको दाल में डालती हूँ। तड़का दाल में डाल देना है। और इसके ऊपर सब धनिया काट कर डाल देना। बिस्मिल्लाह, दाल हमारी तैयार है, अब इसको डिश आउट करते हैं। साबुत मूंग की दाल तैयार है। इसको आप चावल के साथ भी खा सकते हैं और चपाती के साथ भी।